छत्तीसगढ़ में जो है शिक्षक के 12,000 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती सीधी भर्ती 2024 आप सभी के लिए निकल के आया है। जी हाँ, तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो टीचर्स बनना चाहते हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण पोस्ट जो है निकल के आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में। अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में सीजीव व्यापम में जो है 12,000 पदों पर आप सभी के लिए जो है, आप में से हर एक स्टूडेंट्स के लिए, आप में से हर एक युवाओं के लिए जो है छत्तीसगढ़ में जो है 12,000 पदों पर सबसे बड़ी भर्ती सीधी भर्ती 2024 आप सभी के लिए निकल के आ रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करना चाहते हैं, आप जो है तैयारी करना शुरू कर दीजिए। भर्ती विज्ञापन जारी हो चुका है और एग्जाम्स आपका कब होगा, परीक्षा जो है कब होगा और एग्जाम्स के लिए आपके पास कितना समय है, सभी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो है शिक्षक के कुल 12,000 पोस्ट आप सभी के लिए जो है सीजी व्यापम में जो है निकल कर आया, और ये 12,000 पोस्ट आप में से हर एक स्टूडेंट्स के सपनों को पूरा करने के लिए, 12,000 शिक्षकों की पोस्ट जो है, 12,000 शिक्षकों की भर्ती परीक्षा काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं, अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो 12,000 जो है नई पोस्ट, 12,000 नए शिक्षकों की भर्ती है, 12,000 नए शिक्षकों की वैकेंसीज, 12,000 नए शिक्षकों के पोस्ट आप में से हर एक स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम बात करें शैक्षणिक योग्यता की, तो 12,000 शिक्षकों की भर्ती परीक्षा में आवेदन करने के लिए सबसे पहले तो आपका स्नातक कंप्लीट होना चाहिए, सबसे पहले तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, आपका स्नातक की डिग्री जो है कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, स्नातक की डिग्री कंप्लीट हो चुका है, तो आप जो है 12,000 शिक्षकों की भर्ती परीक्षा के लिए आप जो है बिल्कुल एलिजिबल हो, आप आराम से इसके लिए आवेदन जो है कर सकते हैं। 12,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए सबसे पहले आपका, जैसे मैंने बताया कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, स्नातक की डिग्री कंप्लीट होना सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है। ग्रेजुएशन के अलावा आपका जो है 2 इयर्स का, 2 साल का जो बीएड किए जाते हैं, क्योंकि जब तक आप बीएड नहीं करोगे आपका टीचर बनने का सपना अधूरा रहेगा। तो 2 साल के ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का जो है आपका बीएड होना चाहिए। बीएड के अलावा या फिर आपने अगर डीएलएड किया है तो डीएलएड वालों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, बीएड किया हो या फिर आपने जो है डीएलएड किया हो। तो सबसे पहले 12वीं के बाद जो है डीएलएड किए जाते हैं और कॉलेज डिग्री कंप्लीट होने के बाद जो है बीएड कोर्स किए जाते हैं। अगर हम बात करें तो बीएड और डीएलएड और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद आपका रोजगार पंजीयन भी होना चाहिए। रोजगार कार्यालय में काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो रोजगार पंजीयन रोजगार कार्यालय में नहीं कराते, तो उन सभी को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर आपका जॉब लग जाता है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो फिर वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम रोजगार पंजीयन मांगा जाता है, और ऐसे में अगर आपका रोजगार पंजीयन नहीं होगा तो आपको डिसक्वालीफाई कर दिए जाते हैं। तो रोजगार पंजीयन जो है आपको अवश्य रूप से करा लेना है। और वहीं अगर हम बात करें तो ये 12,000 नए शिक्षकों की भर्तियां, 12,000 नए टीचर्स की वैकेंसीज, 12,000 नई पोस्ट आप सभी के लिए जो है हर किसी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, हर किसी के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाते हैं। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट है आपका CGTET। जी हाँ, आपका जो है CGTET एग्ज़ाम्स जो है क्वालिफाई होना चाहिए। अगर जब तक आपका अगर CGTET एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई नहीं होगा, तब तक आप जो है फिर टीचर्स नहीं बन पाएंगे, तब तक आप जो है फिर शिक्षक नहीं बन पाएंगे, और आपके शिक्षक बनने का जो सपना है वो सपना आपका अधूरा ही रह जाएगा। तो CGTET एग्ज़ाम जो है क्वालिफाइड होना चाहिए। छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा, तो आपको अच्छे से मेहनत करना, आपको अच्छे से तैयारी करना है, जिससे कि आपके CGTET एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो पाए, छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता भर्ती परीक्षा क्वालिफाई आपका जो है देखने को मिल पाएगा। तो तैयारी ही सबसे मेन इम्पॉर्टेंट होता है। जितना ज़्यादा आपका तैयारी होगा, जितना ज़्यादा आपका मेहनत होगा, जितना ज़्यादा आपका हार्डवर्क होगा, उतना ही ज़्यादा आप सभी के लिए अच्छा हो पाएगा, उतना ही ज़्यादा आप सभी के लिए बेहतर, देन उतना ही ज़्यादा आप सभी के लिए बेस्ट होने वाला है। तो सब कुछ आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, सब कुछ आपके ऊपर ही निर्भर करता है। अगर आपने मेहनत अच्छे से करना सीख लिया, अगर आपने कोशिश अच्छे से करना सीख लिया, तो यही कोशिश है, यही चीज़ें आपको कामयाबी दिलाएगा। लेकिन अगर आपने मेहनत नहीं करना सीखा है, कोशिश नहीं किया, तो किसी भी तरह से आपको कामयाबी, फिर किसी भी तरह से आपको सफलताएँ जो है नहीं मिल पाएगी। बहुत से लोग होते हैं जो कोशिश करते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो मेहनत करते हैं। शुरुआत में तो वो सभी स्टूडेंट काफ़ी अच्छे मेहनत करेंगे, शुरुआत में वो सभी स्टूडेंट अपना पूरा एफर्ट लगाएंगे, शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा कोशिश करेंगे, लेकिन जब धीरे धीरे कोशिश करते जाते हैं, मेहनत करते जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब कामयाबी नहीं मिलता, बहुत मेहनत करने के बाद
बहुत हार्ड वर्क करने के बाद, बहुत ज़्यादा कोशिशें करने के बावजूद जब उनको कामयाबी नहीं मिलती, तो ऐसे में वो सभी स्टूडेंट जो है फिर परेशान हो जाते हैं और फिर उन्हें लगने लगता है कि यार हमारा कॉम्पिटिशन से एग्जाम्स, हमारा एग्जाम जो है क्वालिफाई हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, हम आगे बढ़ पाएंगे या फिर नहीं बढ़ पाएंगे, हमारा एग्जाम जो है क्वालिफाई हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, हमारे सपने पूरे हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे, हमारे ड्रीम्स पूरे हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे, इन्हीं चीज़ों के बारे में जो है सोचते रहते हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपका काम है मेहनत करना, आपका काम है कोशिश करना। तो जितना ज़्यादा आप काम करते हो, जितना ज़्यादा आप मेहनत करते हो, उतने ही ज़्यादा आप सभी के लिए अच्छा होता है, उतने ही ज़्यादा आप सभी के लिए बेहतर हो पाता है, उतने ही ज़्यादा आप सभी के लिए बेस्ट होता है। तो काम करना ही सबसे मेन इम्पॉर्टेंट होता है, कोशिश करना ही सबसे मेन इम्पॉर्टेंट होता है। तो जितना ज़्यादा हो सके कोशिश कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके आपको काम करना है तो मेहनत करना, कोशिश करना आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। जितना ज़्यादा आपका कोशिश होगा, जितना ज़्यादा आपका मेहनत होगा, जितना ज़्यादा आपका हार्ड वर्क होगा, उतना ही ज़्यादा आप सभी के लिए बेहतर हो पाएगा, देन बेस्ट हो पाएगा। तो 12,000 पोस्ट आप सभी के लिए जो है शिक्षकों के नई भर्ती जो है निकल कर आ चुके हैं। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि ये आप लोगों के पास काफ़ी अच्छा मौका है, ये आप लोगों के पास काफ़ी अच्छा टाइम है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो बिल्कुल भी इस अपॉर्चुनिटीज़ को जाने मत दीजिए, इस अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर लीजिए। क्योंकि देखो आपके पास जो टाइम रहता है, आपके पास जो समय रहता है, वो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, वो आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, वो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण आपको देखने को मिल पाता है। तो जितना ज़्यादा हो सके अपने काम के ऊपर, जितना ज़्यादा हो सके स्टडी के ऊपर, प्रिपरेशंस के ऊपर ही आपको फोकस करना है। बहुत से लोग होते हैं जो कोशिश करते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद उन्हें कामयाबी नहीं मिलता तो गिव अप कर देते हैं। देखो मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ और एक ही चीज़ पर बिलीव करता हूँ, एक ही चीज़ों पर जो है निरंतर आपको प्रयास करते रहना है। जिस भी फील्ड में, जिस भी प्रोफेशन में आपका इंटरेस्ट है, उसी इसी इंटरेस्ट के साथ उसी फील्ड पर आपको मेहनत करना है। जिसमें इंटरेस्ट नहीं है, अगर आप उसमें मेहनत करोगे तो कामयाबी फिर कहाँ से मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। तो छत्तीसगढ़ में जो है शिक्षक के 12,000 पदों पर आप सभी के लिए जो है सबसे बड़ी भर्ती, छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के आप सभी के लिए 12,000 पोस्ट, 12,000 नई वैकेंसीज निकल के आ रहा है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए निकल के आ रहा है। आई होप वीडियो सबको जो है पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशंस को आपको ऑन करके रख लेना, एंड वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सके आपको शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियोस को शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोगों तक वीडियोस मिल सके, जिससे कि सभी लोगों तक वीडियोस जो है फिर पहुँच पाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, धन्यवाद।